आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते। आपको सब पता है, आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। दिग्विजय सिंह जी, आप अनुभवी नेता हैं, आपने लंबे मेरी बात तो सुन, आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते, नहीं मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते। आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है, आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर मैं ये है, दिग्विजय सिंह जी मेरी बात सुन लीजिए, जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की, मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में, मैं खुद की परवाह नहीं करता, मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है? नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। आप, मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है, इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। द हाउस विल मीट एट 12 नून टुडे।